नमस्कार दोस्तों, ओनली प्रैक्टिस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस की प्रैक्टिस। इस टाइप की जो प्रैक्टिस है, इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मैं प्रैक्टिस आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको पहले से गेस नहीं करना किस टाइप्स की प्रैक्टिस है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर, आपको जब मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ यानी कि टीचिंग के दौरान, आपको बोर नहीं होना है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस पर फोकस करना है और एकदम इंजॉय के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा आई। आई एक प्रकार का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, सीता, ये सभी सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सब्जेक्ट लिया है जो कि प्लूरल है। आई मीन्स मैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने सब्जेक्ट लिया और इधर आइट साइड मैंने जितनी भी लिखी है सब वर्ब्स है। जैसे वॉच, वॉच यानी देखना, गो यानी जाना, प्ले यानी खेलना, ईट यानी खाना, थिंक यानी सोचना, रीड यानी पढ़ना, स्लीप यानी सोना, कम यानी आना, रन यानी दौड़ना, गिव यानी देना, टीच यानी पढ़ाना, स्पीक यानी बोलना, सिंग यानी गाना, डांस यानी नाचना, राइट यानी लिखना और वॉच यानी देखना। तो इस टाइप की मैंने सभी वर्ब्स लिख दिए यहाँ पर। अब आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे किस टाइप से इसको पढ़ना है, कैसे क्या प्रैक्टिस करना है। मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे सबसे पहले मैं लिखा है आई, लिखा है, ठीक है। आई की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे डायरेक्ट मैं बोलूँ कि गो, गो प्ले ईट, तो इसका मतलब क्या हो जाए, गो, गो मीन्स जाओ, प्ले मतलब खेलो, ईट मतलब खाओ। तो ये तो एक प्रकार से ऑर्डर देने वाले सेंटेंस हो गए, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में यदि हम आई के बाद कोई भी वर्ब लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, कैसे हो जाता, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है मैंने आई गो, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, यानी कि वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते ही आदि आते हैं, ठीक है, वाक्य के अंत में। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आई की प्रैक्टिस की, आई गो, मैं जाता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ाता हूँ, आई स्लीप, मैं सोता हूँ, आई कम, मैं आता हूँ, आई रन, मैं दौड़ता हूँ, आई गिव यानी कि मैं देता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, आई सिंग, मैं गाता हूँ, आई डांस, मैं नाचता हूँ, आई राइट, मैं लिखता हूँ, आई वॉच यानी कि मैं देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब हम आई की प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ पर आई को हटाकर क्या लिखेंगे, यहाँ पर वी लिख देंगे। आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स होता है हम, क्या हो जाएगा, हम। अब वी की प्रैक्टिस भी सेम टू सेम ऐसे ही करनी है आपको। कैसे करनी है, वी गो यानी कि वी मीन्स होता है हम जाते हैं, वी गो, ठीक है। वी प्ले, हम खेलते हैं, ठीक है। वी ईट यानी कि हम खाते हैं, वी थिंक, हम सोचते हैं, वी रीड, हम पढ़ते हैं, वी स्लीप, हम सोते हैं, वी कम, हम आते हैं, वी रन यानी कि हम दौड़ते हैं, वी गिव, हम देते हैं, वी टीच यानी कि हम पढ़ाते हैं, वी स्पीक, हम बोलते हैं, वी सिंग, हम गाते हैं, वी डांस, हम नाचते हैं, वी राइट यानी कि हम लिखते हैं, वी वॉच यानी कि हम देखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको मैंने यहाँ पर सिर्फ 10 से 12 वर्ब्स लिखे और 10 से 12 वर्ब्स की मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 वर्ब्स ले सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। 20 से 25 वर्ब्स लेकर एक सर्कल बनाकर आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ ये प्रैक्टिस करना है आपको, एकदम बोर नहीं होना है, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको ये जोर जोर से बोलना है, यानी कि ऐसे ही विस्परिंग नहीं करना है, ठीक है। धीरे धीरे नहीं बोलना है, माइंड में नहीं आपको सोचना है, आपको टंग पर लाना है यानी कि जीबान पर लाना है इस लैंग्वेज को। तो किस टाइप से आपकी प्रैक्टिस करेंगे, चलिए वी की प्रैक्टिस हमारी हो गई। अब हम लेते हैं यू। यू मीन्स क्या होता है, यू मीन्स होता है तुम, ठीक है, तुम या आप। अब कैसे प्रैक्टिस करेंगे, यू गो यानी कि तुम जाते हो, यू प्ले तुम खेलते हो, यू ईट तुम खाते हो, यू थिंक तुम सोचते हो, यू स्लीप तुम सोते हो, यू कम तुम आते हो, यू रन यानी कि तुम दौड़ते हो, यू गिव यानी कि तुम देते हो, यू टीच तुम पढ़ाते हो, यू स्पीक तुम बोलते हो, यू सिंग यानी कि तुम गाते हो, यू डांस तुम नाचते हो, यू राइट यानी कि तुम लिखते हो, यू वॉच यानी कि तुम देखते हो। तो इस टाइप से आपको आई वी यू। अब हम दे की प्रैक्टिस करेंगे। दे की प्रैक्टिस भी मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से आपको करनी है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है टी एच ई वाई। दे मीन्स होते हैं वे लोग, एक से अधिक लोगों के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो किस टाइप से आपको ये प्रैक्टिस करनी है, दे गो यानी कि वे लोग जाते हैं, दे प्ले वे लोग खेलते हैं, दे ईट यानी कि वे खाते हैं, दे थिंक वे सोचते हैं,
दे रीड वे पढ़ते हैं, दे स्लीप वे लोग सोते हैं, दे कम वे आते हैं, दे रन यानी कि वे दौड़ते हैं, दे गिव यानी कि वे लोग देते हैं, दे टीच वे पढ़ाते हैं, दे स्पीक वे बोलते हैं, दे सिंग यानी कि वे गाते हैं, दे डांस वे लोग नाचते हैं, दे राइट यानी कि वे लोग लिखते हैं, दे वॉच देखते हैं। ठीक है, तो दे की प्रैक्टिस हो गई आई वी यू दे। इसके बाद आपको राम और श्याम की प्रैक्टिस करनी है, राम और श्याम। ठीक है, कोई दो भाई है, ये भी एक प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, तो इसकी प्रैक्टिस भी कैसे करेंगे, ठीक वैसे ही आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये मैंने आपको जो प्रैक्टिस बताई प्लूरल की बताई यानी कि बहुवचन की प्रैक्टिस बताई, अब सिंगुलर की मैं प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ। यदि आप सिंगुलर की प्रैक्टिस करते हो यानी कि ही सी इट राम सीता, ठीक है, यदि आप सिंगुलर की प्रैक्टिस करते हो तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस या ईएस आता है। जैसे ये जितनी भी वर्ब मैंने लिखी इनके साथ सभी के साथ एस लग जाएगा, जैसे यहाँ पर वाच का वाचेस हो जाएगा, ठीक है, गो का गोज हो जाएगा, प्ले का प्लेज हो जाएगा, ईट का ईट्स हो जाएगा, थिंक का थिंक्स हो जाएगा, रेट का रेट्स हो जाएगा, स्लिप का स्लिप्स हो जाएगा, कम का कम्स हो जाएगा, रन का रन्स, गिव का गिव्स, टीच का टीचेस, ठीक है, स्पीक का स्पीक्स, सिंग का सिंग्स, डांस का डांसेस और राइट का राइट्स। तो इस टाइप से सभी के साथ एस लग जाएगा। एस क्यों लगा ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी सिंगुलर यानी कि ही सी इट राम सीता इन पांच के साथ वर्ब के अंत में ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस यानी कि पांच और लास्ट में जेट, पांच से छह वर्ड यदि आते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है गो, ठीक है, वर्ब के अंत में ओ है तो हमें ई एस लगाना पड़ेगा। और ये चीज़ें अगर नहीं आती सिर्फ आपको वर्ब के साथ एस लगाना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लड़ाना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। तो अब मैं यहाँ पर लेता हूँ ही, ही मीन्स होता है वह पुरुष, ठीक है, वह पुरुष, पुरुष की बात कर रहे हैं यानी कोई व्यक्ति या फिर एक लड़का। अब कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ही गोज यानी कि वह जाता है, ही प्लेज वह खेलता है, ही ईट्स वह खाता है, ही थिंक्स वह सोचता है, ही स्लीप्स यानी कि वह सोता है, ही कम्स वहाँ आता है, ही रन्स वह दौड़ता है, ही गिव्स यानी कि वह देता है, ही टीचेस, इसको आप टीच टीच से नहीं बोलना है, इसको टीचेस बोलना है, ठीक है, ईएस लग गया है, ही टीचेस यानी कि वह पढ़ाता है, ही स्पीक्स वह बोलता है, ही सिंग्स वह गाता है, ही डांसेस वह नाचता है, ही राइट्स यानी कि वह लिखता है, ही वॉचेस यानी कि वह देखता है। तो दोस्तों आपको ही सी इट राम सीता सभी के साथ इसी टाइप से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, यदि मान लो हमारे पास टोटल कितने 10 सब्जेक्ट हैं, जैसे आई वी यू दे राम और श्याम, ये पांच इधर हो गए, ही सी इट राम सीता पांच इधर हो गए, टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए 10 सब्जेक्ट हो गए, 10 सब्जेक्ट हो गए। यदि आप 10 वर्ब लेते हो, ज़्यादा नहीं 10 वर्ब लेते हो, ठीक है, 10 × 10 बराबर कितने हो गए 100, यानी कि 5 से 10 मिनट में आप 100 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। और यदि आप ज़्यादा वर्ब्स लोगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।